नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार विरोध व्यक्त कर रही है। गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी ने भैंसा बुग्गी पर मोटरसाइकिल रखकर नारेबाजी करी है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घंटा घर रामलीला मैदान में एकत्रित हुए और बढ़ती महंगाई पर विरोध व्यक्त किया है। गाजियाबाद के घंटा घर रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और भैंसा बुग्गी पर मोटरसाइकिल रखकर बढ़ती महंगाई पर विरोध व्यक्त किया। देश भर में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और अन्य वस्तुओं पर बढ़ रहे दामों का विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कहा कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के मुद्दे को उठाकर प्रदर्शन कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से महंगाई कम होगी या नहीं। अमरदीप कुमार, ब्यूरो चीफ, गाजियाबाद। जितेंद्र कुमार गौड़, प्रदेश चेयरमैन, शिक्षा प्रकोष्ठ। आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, भैंसा बुग्गी के ऊपर मोटरसाइकिल रखी गई, या तो क्यों कर रहे हैं? देखिए, पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार हो चुके हैं, डीजल के दाम 100 रुपये पार हो चुके हैं और इससे पूरी महंगाई बढ़ेगी। जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा था उस समय पेट्रोल का दाम और क्रूड का रेट बहुत ज़्यादा था, 100 से ऊपर था, तब 80 से ऊपर नहीं पहुँच पाया था, आज 100 से ऊपर है। इसी से महंगाई बढ़ रही है और यही कारण है कि आज जब 80 रुपये पेट्रोल हुआ था कांग्रेस के शासन में, तो इन्होंने बुग्गी से शुरू आना शुरू कर दिया था, साइकिल से आना शुरू कर दिया संसद में, आज 100 से पार हो गया, आज ये चुप है। तो ये महंगाई खत्म की जाए, महंगाई कम की जाए, हम महंगाई के विरोध में सब जगह रेट बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों पर रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर की बात कर लें, तेल की बात कर लें, तो सरकार इतने रेट क्यों बढ़ा रही है, आखिरकार क्या वजह है जो लगातार महंगाई बढ़ रही है? भाई, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए इसका तो काम है पैसे कमाना, सीधा है कि टैक्स कम करें। जब कांग्रेस सरकार थी उस समय जब क्रूड का रेट बढ़ा था तो कांग्रेस सरकार शासित जितने भी प्रदेश थे उन्होंने अपना टैक्स कम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया था। इसी तरह से अभी भी ये टैक्स कम करते हैं, जो बहुत टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल से, वो पेट्रोल डीजल से टैक्स खत्म करते हैं, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। अब कांग्रेस कमेटी क्या चाहती है? कांग्रेस कमेटी महंगाई कम करना चाहती है। अगर नहीं होती है तो आगे क्या कदम? प्रदर्शन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। हमने संघर्ष किया है, आपने देखा हो, जब मजदूर जा रहे थे तब हमारी प्रियंका गांधी खुद संघर्ष में थी, कांग्रेस संघर्ष में थी, जब प्रवासी मजदूरों के जो उनकी व्यवस्था करने में कांग्रेस संघर्ष में रही है, इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू। इसी तरह की देश, दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।